सुप्रभात बच्चों, आज शनिवार है। आज आपका हिंदी लेखन का अभ्यास कार्य आप लोग करते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो चलिए आज भी हम शुरू करते हैं अपना वही कार्य। पेज नंबर 14 और 15, दो पेज में डेट कोटेशन डाल लीजिए। सुविचार आज का क्या है? सदा सच बोलो, दोनों पेज में डालेंगे। तिथि डालेंगे 26/12/2020। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अपनी पेंसिल को एकदम शार्प कर लीजिए। बेटा, राइटिंग का मतलब होता है अभ्यास, मतलब लेखन का अभ्यास करना, मतलब हमें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। आपको ये पेज भरना नहीं है, ठीक है? आप कितना ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, ये देखिए चित्र में क्या बना है। एक आश्रम बना है। आश्रम में कौन है? गुरु हैं, और गुरु ज्ञान का भंडार होते हैं। तो गुरु जो है सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो गुरु का मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो उसे हम ज्ञानी कहते हैं। तो हमारी आज की राइटिंग है, ज्ञानी हमको ज्ञान सिखाते हैं। हैं में अंक की बिंदी, बच्चों देख लीजिए, बहुत साफ साफ एकदम हिंदी की राइटिंग में एकदम सीधा सीधा लिखेंगे। ज्ञानी हमको ज्ञान सिखाते हैं। बच्चों पूरा पेज आपको इसी तरह भरना है। ये देखिए, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा हर शब्द उसी के नीचे आए, कुछ इधर उधर ना हो। देखिए सिमेट्री कितनी अच्छी लगती है ना, एक सा। देखिए कितना साफ लिखा है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हाँ बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? अब इसके बाद आपको दूसरा पेज करना है। ये देखिए बच्चों, इसमें भी आज की तिथि, आज का सुविचार डालेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं। सादा जीवन उच्च विचार, मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ हमको जीनी है, मतलब बहुत तड़क भड़क शोर शराबा नहीं। और जो ऐसे लोग होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, जो उनकी सोच होती है, वो बहुत ही महान होती है। तो सादा जीवन उच्च विचार, बच्चों बिल्कुल सुंदर सा सा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे सादा, और आपको पता है ना, ये दो लाइन आपको छोड़ देनी होती है। ये दोनों नीली रेखा आपको इसके बीच में लिखना होता है, सादा जीवन उच्च विचार। बिल्कुल सही से सीधी लाइन हिंदी लिखते समय बिल्कुल सीधा लिखेंगे, ठीक है? इस तरह आप ये पेज भी पूरा भर लेंगे। धन्यवाद।